बातों को हम रिकॉल कर लें। गैस है मोनाटॉमिक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? तीन। गैस है डायटॉमिक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? पांच। गैस है पॉलीटॉमिक या ट्राइटॉमिक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? सिक्स। इंटरनल एनर्जी जो कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 RT के बराबर होती है, उसके लिए यहां पर इसकी इंटरनल एनर्जी क्या आएगी? 3/2 RT। यहां पर इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी? 5/2 RT। और यहां पर कितनी आ जाएगी? 3 RT। अब हमने इस वैल्यू की वजह से स्पेसिफिक हीट फाइंड करनी है, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है बच्चों? इंटरनल एनर्जी पढ़ के नहीं आए थे, CV∆T के बराबर होती है। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी को टी से कर दें डिवाइड, ठीक है, टी से डिवाइड कर दें, तो पीछे क्या बचता है? स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब और आसान कर लो, ये जो 3/2 RT लिखा है ना, इसके साथ बस टी लिखना छोड़ दो ना, तो 3/2 R ये वैल्यू है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, किस गैस के लिए? मोनो एटॉमिक गैस के लिए। और 5/2 R किसके लिए है? डायटॉमिक के लिए। और 3 R वैल्यू किसके लिए है? पॉली एटॉमिक गैस के लिए। तो मुझे जरा जल्दी से कंफर्म करें, CV समझ आया सबको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से? अब CP कैसे फाइंड करना है? तो अभी पढ़ के तो आए हो पहले ऊपर, CP इज इक्वल टू CV+ R। तो मोनोटॉमिक का कैसे फाइंड करेंगे CP? मोनोटॉमिक का CV क्या है? 3/2 R। प्लस R कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 R। तो देखो मोनोटॉमिक का जो CP है वो 5/2 R हो जाएगा। इसमें फिर R ऐड करोगे तो ये 7/2 R हो जाएगा। इसमें R ऐड करोगे तो ये 4 R हो जाएगा। तो देखो यहां तक हमने कितने अच्छे तरीके से, कितने आसान तरीके से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी अंडरस्टैंड कर लिया। हमने ये भी देख लिया कि मोनोटॉमिक के लिए CV और CP की वैल्यूज क्या हैं, डायटॉमिक के लिए क्या है, पॉलीटॉमिक के लिए क्या है। और यहां पर देखो गैमा फैक्टर, गैमा इज द रेशियो ऑफ CP एंड CV। अब रेशियो ऑफ CP एंड CV का मतलब है कि इन दोनों को आपस में डिवाइड करना, 5/2 को 3/2 से डिवाइड करना, क्योंकि R ने तो R से कैंसिल हो ही जाना, तो ये बच्चों आएगा 5/3, ये कितना आएगा? 7/5, और ये कितना आएगा? 4/3। अब 4/3 रेशियो में कितना होगा जी, बताओ जरा? तकरीबन 1.3 या 1.29 के राउंड अबाउट होता है, 1.3 के या 1.29 होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। 7/5 कितना होता है? 1.4। और 5/3 तकरीबन 1.67। तो ये इनकी वैल्यूज हमारे पास किसमें है? फ्रैक्शंस में। अब ऊपर अगर ध्यान दो ना, तो कुछ शॉर्टकट्स भी लिखे हुए हैं। मोनोटॉमिक गैस के CV का शॉर्टकट है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय 2 × R। मतलब कैसे यूज करना, देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाय 2 × R। भाई मोनो के डिग्री कितने होते हैं? तीन, तो तीन लिख दो। डाई के कितने होते हैं? पांच, तो पांच लिख दो। किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? CV की। फिर ट्राई के कितने होते हैं? सिक्स, 6/2 R कितना हो जाएगा? 3 R। उसके बाद जो CP का शॉर्टकट है वो क्या है? वो लिखा है जी F/2+1 × R, F/2+1 × R, ठीक है। तो CP, मोनो के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3, 3/2+1 × R, आंसर वही आ जाएगा 5/2 R। तो इस तरीके से इसका शॉर्टकट भी यूज कर लेना। और गैमा फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला जो शॉर्टकट है वो हमारे पास 1+2 / डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोनो के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3, डाई के 5, ट्राई के 6। तो इस तरीके से गैमा भी सबका कैलकुलेट हो सकता है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई मोनोटॉमिक की, डायटॉमिक की और पॉलीटॉमिक की।